एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होगा कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल। एम्स दिल्ली में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा। ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिलहाल दिल्ली NCR में रहने वाले को केवल एनरोलमेंट की अनुमति दी गई है। सिर्फ 18 साल से ऊपर और 55 साल से कम उम्र के लोग ही ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। जिस व्यक्ति पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा उसका सबसे पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा। खून, लीवर, BP और किडनी समेत तमाम टेस्ट में स्वस्थ पाए जाने वाले जो व्यक्ति होंगे उसको ये वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। ICMR और भारत बायोटेक मिलकर कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बना रहे हैं उसकी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक 375 वॉलंटियर्स पर यह ह्यूमन ट्रायल किए जाएंगे। इसमें से 100 वॉलंटियर्स जो है उस वो एम्स में उसका परीक्षण होगा। यह ट्रायल कुल 3 चरणों में होगा और पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। एम्स समेत भारत के 12 संस्थान इस ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। पटना एम्स में 10 वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन दी गई और अभी तक किसी भी वॉलंटियर को कोई भी साइड इफेक्ट होने की जानकारी नहीं आई है और यह खबर वैज्ञानिकों को का जो हौसला बढ़ा रही है। साथ ही ट्रायल के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है जिस पे आप मेल कर सकते हैं। अलीबाबा, नहुवावे समेत चीनी आर्मी से जुड़ी 7 कंपनियों पर भारत में हो सकता है बड़ा एक्शन। तो हुवावे और अलीबाबा जैसी बड़ी चीनी कंपनियां जो है जो संभवतया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीनी आर्मी से जुड़ी हुई हो सकती है, इनके खिलाफ भारत में एक्शन हो सकता है। ये कंपनियां उन 7 कंपनियों में से जिनके खिलाफ भारतीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन सभी के तार सीधे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। ये सभी 7 चीनी कंपनियां मोबाइल और टेक सेक्टर से नहीं जुड़ी हुई है लेकिन इन्होंने भारत की विभिन्न इंडस्ट्रीज में विशाल स्तर पर निवेश किया है। ये 7 कंपनियां हैं एक्स इंडिया, जिनजिंग कैथे इंटरनेशनल, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप, हुवावे, अलीबाबा, टेंसेंट और SAIC मोटर कॉरपोरेशन। भारत सरकार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि ये सभी कंपनियां निगरानी के दायरे में हैं और संभवतया इन पर एक्शन लिया जा सकता है। सूत्र यह भी बतलाते हैं कि अलीबाबा और टेंसेंट चीन के मिलिट्री सिविल फ्यूजन और आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं। स्वदेशी बग, अभी हाल ही में एंटोमोलॉजिस्टों की एक टीम ने 3 स्वदेशी बग का आकलन किया जो वूली वाटरफ्लाई नामक कीट को नियंत्रित कर सकता है। तो इनमें 2 स्वदेशी बग कॉक्सिक नेल्डियाई परिवार की लेडीबर्ड वीटल से और 1 स्वदेशी बग न्यूरोप्टेरा क्रम की ग्रीन लेसविंग फ्लाई से संबंधित है। इसमें 2 प्रकार के स्वदेशी बग लेडीबर्ड वीटल, एक कैरेबियन मूल के वूली वाटरफ्लाई के खिलाफ जैविक हथियार है जो भारतीय फल किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इन कीड़ों का जीवन 4 चरणों में होता है। सबसे पहले एग, फिर ग्रब, प्यूमा और वयस्क में विभाजित होता है और ये 30 से 40 दिनों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और ये कीड़े 10 से 12 दिनों के लिए सक्रिय ग्रब चरण में मतलब एक्टिव ग्रब स्टेज के दौरान वूली वाटरफ्लाई का सेवन करते हैं और एक स्वदेशी बग अपने पूरे जीवन चक्र 200 से 300 वूली वाटरफ्लाई को खा सकता है। अब जानेंगे कि वूली वाटरफ्लाई क्या होता है। तो इसका जो उल्लेख है यानी इसका जिक्र किया गया पहली बार वर्ष 1896 में जमैका में किया गया था और वर्ष 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा से सूचित किया गया था इसको। इसकी नव उष्णकटिबंधीय उत्पत्ति दुनिया के कई गर्म भागों में पाई जाती है और इसे साइट्रस वाटरफ्लाई भी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार ये कीट वर्ष भर में देश की 30 से 35% फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। कई देशों के साथ भारत का एयर बबल्स करार, तो जाने क्या है इसके मायने। एयर बबल्स को हवाई क्षेत्र में 2 देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय करार को कहा जाता है। यानी एयर बबल्स 2 देशों के बीच हवाई सेवा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एयर कॉरिडोर होता है। इनमें दोनों देशों के बीच करार के तहत हवाई यात्रा की मंजूरी दी जाती है। कोरोना संकट की वजह से लगी बंदिशों के बीच आवश्यक शर्तों को ध्यान में रखते हुए 2 देश आपस में एयर बबल्स शुरू कर सकते हैं। सुरक्षा मानकों का पालन करना होता है। इसमें भारत दुनिया के कई देशों के साथ इस प्रक्रिया में जुटा हुआ है ताकि वह अपने विमानों को उन देशों से आने जाने की अनुमति दे सके और यह करार भारतीय ऑपरेटर्स को छोड़ करके है। इससे पहले सिर्फ वंदे मातरम मिशन का ही विकल्प था। इसके तहत दुनिया भर से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया,
एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसके बाद इंडिगो और स्पाइस जेट्स के विमान संचालित किए गए थे। दुनिया के तमाम देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए इन उड़ानों का संचालन किया गया और इस दौरान किसी यात्री के लिए यही एकमात्र विकल्प था। जब विभिन्न देशों से भारतीयों को लाने के लिए भारत से विमानों की ने उड़ान भरी थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि एयर बबल्स स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रही है और इसी बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 12 जुलाई से उड़ानें भरी जाएगी और इसके तहत 15 दिनों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के विमानों को भारत से आने जाने की अनुमति दी गई है। इंडियन रेलवे 2030 जीरो कार्बन एमिशन टारगेट। भारतीय रेल 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इस योजना की अवधारणा के दौरान शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति के लिए सौर ऊर्जा अनुकूल राज्यों के साथ हुए पूरे देश के औसत सौर पृथक्करण को आधार माना गया है। भारत के विभिन्न भागों में उत्पादित सौर ऊर्जा को रेलवे की ट्रैक्शन लाइनों के माध्यम से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। भारतीय रेल द्वारा शिमला, वैष्णो देवी जैसे देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा पर संचालित कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन में लगभग 13% परिवहन क्षेत्र से आता है और इसमें रेलवे की जो हिस्सेदारी है वह लगभग 60 लाख टन वार्षिक है। मुख्य बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में परिवहन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में नई दिल्ली में रेलवे द्वारा एक प्रयोगशाला मॉडल पर आधारित परीक्षण किया गया था। इसके तहत सोलर पैनल से उत्पादित विद्युत को रेलवे की 25 किलोवाट ट्रैक्शन लाइन में संप्रेषित करने में सफलता प्राप्त की थी। अब समझेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ये किस प्रकार कार्य करेगी। तो रेलवे में सौर ऊर्जा उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के दौरान भी स्वदेशी निर्माता को प्राथमिकता देने और विदेशी उपकरणों के आयात की सीमा निर्धारित करने की बात कही गई है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत पश्चिम बंगाल स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स जो है उसके द्वारा लगभग 10 करोड़ की लागत से 9000 हॉर्स पावर के स्वदेशी रेल इंजन का निर्माण किया गया है। विदेशी निर्माताओं द्वारा 9000 हॉर्स पावर के रेल इंजन की लागत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी प्रकार फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स अल्स्टॉम के सहयोग से बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड 12000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक रेल इंजन का निर्माण किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग गठित किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को असंवैधानिक और अवैध बतलाया है। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग से जुड़े एक पूर्व कानूनी सलाहकार ने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को असंवैधानिक और अवैध बतलाया है। देश में पिछले परिसीमन वर्ष 2002 से 2008 के दौरान पूर्वोत्तर के इन 4 राज्यों को परिसीमन की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। मार्च 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के 4 राज्यों और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वोत्तर 4 राज्य जो हैं उसमें परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा संचालित की जाएगी। क्या कार्य है इसका, इसको समझेंगे। तो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर आधारित सीटों का निर्धारण किया जाता है। समझेंगे कि परिसीमन अधिनियम 2002 में किस प्रकार संशोधन किया गया। तो 14 जनवरी 2008 को परिसीमन अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति को इन राज्यों की परिसीमन विलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई। 8 फरवरी 2008 राष्ट्रपति द्वारा इन 4 राज्यों में परिसीमन स्थगित करने का आदेश जारी किया। संसद का यह फैसला इस तथ्य से प्रेरित था कि पूर्व में भी निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार दिया गया था। अब जानेंगे कि परिसीमन का क्या अर्थ है। तो परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के अनुरूप विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना होता है। क्या उद्देश्य है इसका? तो परिसीमन का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ठीक है, अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत किया जाता है,
परिसीमन की प्रक्रिया में नवीन जनगणना के आंकड़ों का जाता है। अब जानेंगे कि परिसीमन आयोग क्या है। तो परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया गया है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति है और यह संस्था जो है यह निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। सीआरपीसी की धारा 433A अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 161 राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित मुद्दे। चलिए इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समय पूर्व रिहाई से संबंधित हरियाणा सरकार की नीति की वैधता के विषय को एक बड़ी खंडपीठ ने हस्तांतरित किया है। तो यह बात न्यायालय के एक हत्या के दोषी आजीवन कारावास की सजा के एक मामले पर सुनवाई कर रहा था, जो कि राज्य द्वारा गठित एक क्षमा नीति के लागू होने के पश्चात 8 वर्ष की सजा पूरी होने पर रिहा हो गया था। अब न्यायालय को बड़ी खंडपीठ जो न्यायालय की जो बड़ी खंडपीठ है इस तथ्य की जांच करेगी कि हरियाणा सरकार की यह नीति आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता जो है सीआरपीसी की धारा 433A के विपरीत है अथवा नहीं। साथ ही आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, तो सीआरपीसी की धारा 433A के अनुसार यदि किसी दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है तो उसे कारावास में तब तक रिहा नहीं किया जा सकता है जब तक वह कम से कम 14 वर्ष की सजा पूरी ना कर ले। इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नीति स्पष्ट तौर पर सीआरपीसी की धारा 433A का उल्लंघन करती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान या शक्ति क्या है इसको समझेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत भारतीय राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को क्षमादान देने अर्थात दंडादेश, निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफी प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में और मृत्युदंड मिले हुए व्यक्ति के मामले में क्षमादान देने का अधिकार है। वहीं राज्य के राज्यपाल को दंड के आदेश को निलंबित करने, दंड अवधि को कम करने और दंड का स्वरूप बदलने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही क्षमादान का उद्देश्य किसी निर्दोष जो व्यक्ति है उसको न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाना भी है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए ASPIRE ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड एजुकेशन नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इसको समझते हैं। तो इस मिशन की ओर पहला कदम प्रौद्योगिकी मंच ई पोर्टल का निर्माण करना है, जहाँ तरह के सूचना विनिमय एवं नवाचार की सुविधा प्रौद्योगिकी विकास हो सकती है। विभिन्न संगठनों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। वो इस प्रकार से हैं: विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए, मोटर वाहन क्षेत्र के लिए, ARAI बिजली क्षेत्र के उपकरणों के लिए, मशीन टूल्स के लिए। और इन क्या उद्देश्य है, तो एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाना है जो समाधान चाहने वाले और समस्या हल करने वालों को एक साथ जोड़ेगा। इसमें उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप, पेशेवर एवं विशेषज्ञ शामिल हैं। ICAT ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए ASPIRE जो है मोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। अब समझेंगे कि ASPIRE का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना। और इसकी गतिविधियों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन क्षेत्र हैं, तो अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास, उद्योग के लिए तकनीकी एवं गुणवत्ता समस्या, विनिर्माण एवं प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास के लिए आने वाली चुनौतियों और भारतीय ऑटो उद्योग के रुझानों की पहचान के लिए मार्केट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सर्वे का आयोजन करना।